हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी आलू के क्रिस्पी पराठों की रेसिपी। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाना शुरू करते हैं आलू के पराठे की रेसिपी। आलू का पराठा बनाने के लिए कि आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, ये उबला हुआ आलू है। और 2 बाउल हमने आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में आप इस तरीके से पराठे बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे। और हमने धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, ग्रेटेड अदरक ली है। तो आप अदरक ग्रेटेड की जगह आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे, जिससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाले बनेंगे। तो इसमें ड्राई मसाले भी डाल देते हैं। ड्राई मसाले में इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आधा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से थोड़ा क्रश करके डालेंगे, जिससे इसमें इसका फ्लेवर बना रहे। तो देखिए, आलू के पराठे इस तरीके से आप लोग बनाकर देखें। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसका डो हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, जिससे हमारे पराठे बहुत ही लेयर वाले और क्रिस्पी बने। तो देखिए, इस तरीके के आप पराठे सुबह बच्चे के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो देखिए, डो बनकर हमारा तैयार हो गया। इसे एक बाउल में करके रख देते हैं, 5 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और इसके ऊपर ये सूखा आटा रखा है, तो देखिए इसकी स्टफिंग भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक आलू को हमने बॉयल करके इसे कद्दूकस कर लिया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और ये काली मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। और पराठों को कलर देने के लिए इसमें हम स्टफिंग में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये पराठे हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें एक पिंच हम हींग जरूर डालेंगे। तो हींग से बच्चों को ये पराठे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। और ये अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप मिर्च हरी मिर्च भी ना डालें। तो देखिए, इसमें खूब सारा धनिया डाल देंगे और स्टफिंग को मिलाते हैं। तो इसे आप चम्मच से भी मिला सकते हैं, आप इसे हाथ से मिलाएं तो ये ज़्यादा अच्छे से मिलकर तैयार होगी। तो देखिए, इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही लेयर वाले आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे को देख लेते हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हाथ से थोड़ा और मसल लेते हैं, जिससे ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे लोइयां कट कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 से 3 लोइयां बन जाएंगी, तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पराठों की लोइयां बनाकर तैयार की हैं, बराबर डिवाइड कर लिया है। तो एक एक करके इनको बेलकर इससे पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे गोल कर लेते हैं और इसे बेल कर तैयार करते हैं। तो इससे पहले हम पूरी की तरह बेलेंगे, तो इसमें सूखे आटे में हम इसे डैप करेंगे। तो देखिए, लोई को हमने गोल शेप में बेल कर तैयार कर लिया। इसे हमने बिल्कुल रोटी की तरह गोल बेला है, तो ज़्यादा थिकनेस इसकी ज़्यादा पतली या फिर ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, बिल्कुल रोटी के साइज़ की रखनी है। तो देखिए, हमने इसे रोटी शेप में बेल लिया है। इस पर 1 से 1.5 चम्मच हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। और इसे चम्मच की हेल्प से भी आप फैला सकते हैं, आप चाहें तो इसे हाथ की हेल्प से भी इसे फैला सकते हैं। तो देखिए, हाथ की हेल्प से हम इसकी एक लेयर लगा देते हैं, तो इसे बराबर मात्रा में लगाना है। तो देखिए, स्टफिंग को हमने इस तरीके से पराठे पर लगा दिया है और इस पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बने। और इसको रोल करेंगे इस तरीके से, पूरे पे हमने आलू को लगा दिया है तो स्टफिंग हमारी लगकर तैयार होगी। इस तरीके से इसको रोल करेंगे, तो इसे बराबर धीरे धीरे रोल करेंगे, जिससे ये इसमें गैप ना रहे। और इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करके इसको बराबर कर लेंगे, जिससे हमारी स्टफिंग पूरे इस लोई में अच्छे से पराठे में चिपक जाए। तो इसे हाथ से लंबा थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, पराठे को इस तरीके से हमने लंबा रोल कर लिया है, स्टफिंग इसमें अंदर भर दी है। और इस तरीके से इसको गोल करके इसकी एक लोई बनाते हैं। तो इसका जो साइड का पार्ट है, इस तरीके से इसको नीचे ज्वाइंट कर देंगे और इसे दबा देंगे। तो पराठे की बहुत ही अच्छी लोई बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसे आटे में डैप करेंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलकर तैयार करेंगे, जिससे इसमें जो परतें हैं वो बनी रहें। तो देखिए, पराठे को इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से बेलकर इसको तैयार करना है और बहुत अच्छी इसमें लेयर आएगी, बहुत सुंदर हमारा पराठा बना है। तो इस तरीके से हमने पराठे को बेलकर तैयार कर लिया। तो चलिए, इसे सेक भी लेते हैं। गैस पर हमने एक तवे को रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और तवे को गर्म होने देंगे। तो आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, पराठे को क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो घी लगा देते हैं, जिससे हमारा पराठा चिपकेगा नहीं। तो देखिए, आलू का पराठा सेकने के लिए तवा हमारा गर्म हो गया है। इस पे पराठा डाल देते हैं और एक साइड से इसमें चित्ती आने देते हैं, उसके बाद इसे पलट कर दूसरी साइड से घी लगाएंगे। तो देखिए, इसमें चित्ती आ गई है। तो देखिए, पराठे को हमने इस तरीके से पलट दिया है, इस पर घी लगा देते हैं।
और सिकने देते हैं। तो गैस का फ्लेम सिम कर दिया, सिम गैस पे हम पराठे को सेकेंगे, तभी हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होकर सिकेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए घी हमने लगा दिया, इसे दूसरी साइड से पलट देते हैं। इस साइड को भी घी लगा देंगे और एक साइड से पराठे को पहले सिक जाने देंगे, तभी हम दूसरी साइड से इसको पलटेंगे। देखिए इस तरीके से इस स्पैचुला की हेल्प से हम इसे दबाकर सेकेंगे, तभी हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाला बनेगा। तो देखिए बहुत ही लेयर वाला आलू का मज़ेदार पराठा बनकर सिक कर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी पराठा बना है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसे एक प्लेट पर एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सभी पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें या फिर आप चाय कॉफ़ी के साथ इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो दही मसाला दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए बहुत ही कुरमुरे एकदम मस्त पराठे बनकर रेडी हुए हैं। आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे झटपट बनने वाले आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुंच सके। एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।